हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं दिखाऊंगी शॉपिंग करके लाई थी। देखिए मैं क्या क्या खरीद कर लाई हूँ। ये हमारी कॉलोनी के पास ही एक बाजार लगता है थर्सडे के दिन। देखो ये लाई मैं अपने छोटे वाले बेटे के कपड़े, एक 350 का मिला है, 350 रुपये का। जींस का कच्छा है इसके साथ। एक ये है इसकी ब्लू टी शर्ट और रेड कच्छा है। ये होजरी वाला है, बिल्कुल सॉफ्ट कपड़ा होता है इसका। और ये एक लाई थी बाले का सेट और टी का है, के साथ बड़े बड़े बाले हैं। देखो कितना खूबसूरत है और कितना सस्ता मिला है, तुम्हें 70 का मिला है। इस बाजार में हर तरह की चीज़ मिलती है, कपड़े, ड्रेसेस, ज्वेलरी, फुटवेयर, और बहुत ही सस्ता मिलता है। अगर किसी को ड्रेस डिज़ाइन करनी हो उसका सारा मटेरियल मिलता है यहाँ पर। ये देखिए कुल ये 70 रुपये में कितना खूबसूरत लग रहे हैं ये। ये जोड़ी स्लीपर लाई थी मैं, ये मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे। ये मिले हैं 150 के, 150 रुपये के। चलिए फिर करते हैं सफाई, अभी बज रहे हैं सुबह के 10। मैं पहले सफाई कर लूंगी फिर उसके बाद लंच की तैयारी करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। रेड कलर में जो लिखवाता है सब्सक्राइब, इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं। और आप बताएं मेरी वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स कर। और आज हम सब शाम को जाएंगे, मेरे जेठ जी का डिनर है, सारी फैमिली, सारी नंदे, मेरे सास ससुर सब वहीं जाएंगे आज हम। आज ईद उल अजहा का तीसरा दिन है, यानी 30 बकरीद है आज। मैं पहले कल कपड़े पहने थे जो उसको तय करके रख दूंगी। ये मेरे छोटे बेटे देखे खेल रहे हैं, सफाई करके फिर इन्हें नहलाऊंगी। I'm gonna go get some more.
देखेंगे मेरा बेड बिल्कुल साफ हो चुका है। अब मैं झाड़ू करूंगी, तकिए लगा के पहले सारे फिर झाड़ू करेंगे। नए नए वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखें बस अब मैं झाड़ू करके लंच बनाऊंगी, फिर उसके बाद इसे नहलाना है और मैं भी नहाऊंगी। ये देखें सफाई हो चुकी है मेरे पूरे रूम की। बज गए हैं शाम के 7 और हम तैयार हो चुके हैं भाई सबके घर जाने के लिए। ये देखें मैंने वो पिंक वाला सूट पहनाया जो पहले वीडियो में दिखाया था। आप कमेंट्स करके बताएं कि मेरा सूट कैसा लगा आपको। ये देखें ये मेरे छोटे बेटे भी रेडी हो चुके हैं। जैसा आप जानते हैं कैमरा ऑन होते ही इनकी मस्ती शुरू हो जाती है। तो हम आ चुके हैं अब अपने भाई सबके घर पर। ये मेरे बड़े जेठ जी का घर है। ये भाई पांच भाइयों में सबसे बड़े हैं। ये देखें बच्चे खेल रहे हैं। अभी सभी ने खाना खाया है, खाना खा करके बैठे हैं। ये मेरे जेठ की बेटी हैं और ये बड़े लड़के हैं उनके। मेरे जेठ के 4 बच्चे हैं, 2 लड़के 2 लड़कियां, सबसे बड़ी लड़की हैं। फिर ये बेटे हैं नौफिल, उसके बाद मेरी बेटी हैं, फिर हैं ये सबसे छोटे बेटे। 4 बच्चे हैं उनके और उनसे छोटे वाले भाई अभी आए नहीं हैं। फिर मेरे हस्बैंड हैं, मेरे हस्बैंड से छोटे 2 भाई हैं। ये 5 भाई हैं। सबसे बड़े जेठ से बड़ी एक हमारी नंद है। मेरी फैमिली माशाल्लाह बहुत बड़ी है। ये मेरी नंद खड़ी है, ये मेरे सास ससुर बैठे हैं और हमारे चचे सास बैठी हैं। ये मेरी देवरानी खड़ी है, चचे सास की बहू। ये नंद के लड़के हैं, ये मेरे सबसे बड़े नंदोई बैठे हैं और उनके बेटे। ये सबसे बड़ी नंद है और मेरी छोटी देवरानी और उनके बेटे बैठे हुए हैं। ये मेरी देवरानी है डॉक्टर अर्शी।
देखिए पापा की गोद में चढ़ गए हैं अपने। ये मेरे सबसे छोटे देवर की बेटी है ब्यूटी पाई, इसका नाम है अलीना। ये देखो अपने बड़े पापा की गोद में बैठी हुई है, ये 4 महीने की है। देख रहे हैं मुंजी ले रहे हैं मुंह में, इतनी प्यारी क्यूट है, बहुत ही बातें करती है। ये देखें ये मेरी सबसे बड़ी जिठानी है जिनके घर हम आए हुए हैं। ये मेरे बेटे हैं बड़े, ये देखें हम दिखाते हैं, ये रहे ये मेरे बड़े बेटे हैं और सबसे छोटे बेटे से पाप मिल ही चुके हैं। और ये ग्रीन टी शर्ट और ब्लैक पैंट पहने बैठे हैं, ये भी मेरे बेटे हैं। ये सबसे छोटे जो आप खेल रहे हैं, एक नंद के लड़के हैं जेक के, ये सारे बच्चे मस्ती कर रहे हैं। तो फिर इंशाल्लाह जल्दी ही आप लोगों से अगली वीडियो में मुलाकात होती है। आप ज़रूर बताएं कमेंट्स करके कि मेरी वीडियो कैसी लगी हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।